नमस्कार, आप सबका स्वागत है। दंगल गर्ल जायरा वसीम से फ्लाइट में छेड़छाड़ के मामले में विस्तार एयरलाइंस ने रेगुलेटरी डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट दे दी है, जिसके मुताबिक आरोपी बिजनेसमैन विकास सचदेवा ने केबिन क्रू से कंबल मांगते हुए डिस्टर्ब ना करने की बात की थी। उसने फ्लाइट में खाना भी नहीं लिया था, पूरे सफर में कंबल डालकर सोया हुआ था। वहीं लैंडिंग के दौरान जायरा आरोपी पर चिल्लाने लगी। केबिन क्रू ने जायरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे वहां से चली गई। इसके बाद केबिन क्रू को जायरा की मां ने घटना के बारे में बताया। बता दें, जायरा ने रविवार की सुबह अपने साथ फ्लाइट में हुई छेड़छाड़ को लेकर वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जो वायरल हुआ था। केबिन क्रू ने पूछा कि उन्होंने पहले क्यों नहीं अलर्ट किया। जायरा की मां ने कहा, उन्हें भी इस बारे में लैंडिंग करते समय पता चला। केबिन क्रू ने जायरा की मां से शिकायत दर्ज करवाने और आरोपी को टर्मिनल से निकलने से पहले हिरासत में लेने के बारे में पूछा, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाईं। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर जायरा ने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वे रोती हुई नजर आईं। उन्होंने इसे इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए घटना की जानकारी दी। एक ट्रेस जायरा ने लिखा, मैं दिल्ली से मुंबई फ्लाइट में सफर कर रही थी। पीछे बैठे एक अधेड़ ने 2 घंटे के सफर में मुझे परेशान किया। मैंने इसे अच्छी तरह से समझाने के लिए फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन केबिन में धीमी लाइट की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। करीब 5 से 10 मिनट तक वे पैर से मुझे कमर और गर्दन पर टच करता रहा। जायरा ने वीडियो में कहा, मैंने अभी मुंबई में लैंड किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं कि आप एक इंसान को ऐसा महसूस कराएं। क्या आप ऐसे ही लड़कियों की रक्षा करेंगे? कोई मदद के लिए नहीं आया। ये बहुत डरावना अनुभव था। 17 साल की जायरा वसीम से विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट में छेड़छाड़ करने के आरोपी को रविवार शाम मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसकी पहचान 39 साल के विकास सचदेव के तौर पर हुई है। विकास के खिलाफ IPC की धारा 354, शील भंग करने के इरादे से महिला पर क्रिमिनल अटैक करना और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी विकास की पत्नी ने अपने पति का बचाव किया है। उन्होंने मीडिया से कहा, मेरे पति बेगुनाह हैं, उनका तंग करने का कोई इरादा नहीं था। परिवार में एक बच्चे की मौत हुई थी, वे वहां गए थे। 24 घंटे से वे सोए नहीं थे। उन्होंने क्रू से कहा था कि वे सोना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें डिस्टर्ब न करें। उनका पैर आर्म रेस्ट पर था, लेकिन उनका तंग करने का कोई इरादा नहीं था। आरोपी की पत्नी ने कहा, उन्होंने जायरा तुरंत तो रिएक्ट नहीं किया। मैं नहीं जानती कि वे अब ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं। हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। वे बाल बच्चों वाले शख्स हैं और ऐसा कभी नहीं कर सकते। हम इंसाफ चाहते हैं। विस्तारा के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी से कहा कि जायरा फ्लाइट में सिर्फ को पैसेंजर पर चिल्लाई थी, तब उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उड़ान के वक्त सभी क्रू मेंबर सीट पर मौजूद थे। लैंडिंग के बाद क्रू ने जायरा और उनकी मां से कहा कि वे चाहें तो शिकायत दर्ज करा सकती हैं, पर उन्होंने इनकार कर दिया। विस्तारा फ्लाइट में छेड़छाड़ की घटना के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम जायरा वसीम का बयान दर्ज करने के लिए होटल पहुंची। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए एयरलाइंस को नोटिस जारी किया। एविएशन मिनिस्ट्री ने भी विस्तारा से डिटेल रिपोर्ट मांगी। महिला आयोग ने विस्तारा को नोटिस जारी किया।